वास्तविक प्रार्थना तुम्हारे मन से नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर से उत्पन्न होती है। जो कुछ भी वास्तविक है वह तुम्हारे शरीर से ही उत्पन्न होता है। इस शरीर को जितना प्रेम दे सकते हो दो, क्योंकि शरीर ही तुम्हारी प्रकृति है। ये शरीर ही है जिसमें तुम्हारा होना है। तुम इसमें मूल रूप से स्थापित हो और सभी कथित धर्म संगठित धर्मों ने तुम्हें और तुम्हारे शरीर के बीच के नाते को नष्ट कर दिया है। उन्होंने तुम्हें बताया है कि तुम शरीर नहीं हो। यही नहीं कि तुम शरीर नहीं हो, उन्होंने तुम्हें यह भी बताया है कि शरीर शत्रु है, कि शरीर को नष्ट करना होगा, कि तुमको धर्म के नाम पर शरीर को भूखा रखना होगा, कि तुम्हें धर्म के नाम पर शरीर को यातना देनी होगी, कि केवल शरीर को यातना देकर ही तुम ईश्वर के निकट आओगे। गुरु ओशो का कथन है कि केवल अपने शरीर से प्रेम करके ही तुम ईश्वर के निकट आ सकते हो, कोई अन्य मार्ग नहीं है। अपने शरीर को यातना देकर तुम स्वयं ईश्वर को यातना दे रहे हो, क्योंकि ये ईश्वर ही है जो तुम में शरीर बन गया है। और शरीर हमेशा सुंदर होता है, मन शायद ही कभी। और जब मन सुंदर होता है तो वह हमेशा तब होता है जब वह शरीर का अनुसरण करता है। शरीर की अपनी बुद्धिमत्ता होती है, ये जानता है कि कैसे नृत्य करना है, कैसे गाना है, कैसे ईश्वर के साथ धड़कना है। पदार्थ जानता है कि कैसे अज्ञात के साथ नृत्य करना है। जब सुबह सूर्य उदित होता है, लाखों और करोड़ों पेड़ जाग उठते हैं, वे जानते हैं। पदार्थ सूर्य किरणों में रोमांचित होता है, पक्षी गाना शुरू कर देते हैं। भोर हो चुकी होती है, रात समाप्त हो गई है, कलियां खुलती हैं, सूरज को सोखने के लिए खुलती हैं, हवा के साथ नृत्य करने के लिए खुलती हैं। पदार्थ जानता है कि कैसे अज्ञात के साथ लय में चलना है। केवल मन ही एक मानव निर्मित घटना है। आत्मा ईश्वर में है, शरीर ईश्वर में है, केवल मन ही ईश्वर के बाहर है। ये शरीर पूज्य है, और यदि तुम शरीर की प्रार्थना सीख जाते हो, यदि तुम इसे अनुमति देते हो, तो आत्मा की प्रार्थना स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगी। जब शरीर दिव्य के साथ कंपन करना शुरू करता है, अचानक तुम देखोगे कि तुम्हारी आत्मा भी कंपन कर रही है। तुम्हारी शरीर और आत्मा एक है, ये मन ही है जो उन्हें अलग कर रहा है। मन को विलीन कर दो और तुम एक हो जाते हो। तुम पूर्ण एकता हो, एकीकरण है। मन ही अपराधी है। प्रणाम।